मानव समाचार मानवता के हक में। नाज़रीन इकराम, स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं समीर इंडियन। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुंबई के डोंगरी में दादा रहमान का उरस। हर साल की तरह इस साल भी शाही संदल निकाला गया, लेकिन इस साल हुकूमत के कानून के मुताबिक संदल को निकाला गया। इस बार ये संदल बड़ी सादगी से मास्क का इस्तेमाल करते हुए, कोई गाड़ी भी नहीं निकाली गई। यहाँ के रहने वालों ने अच्छा कॉपरेट किया। चिकना बिरादर की जानिब से सभी को उर्स की मुबारकबाद दी गई और आवाम के साथ साथ डोंगरी पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया। आगे से ले ले चलो आगे। अगली खबर। भिवंडी शहर में पत्रकारों ने एमआईएम सभा का किया बायकॉट। भिवंडी शहर के कल्याण रोड पर अशोका होटल में एमआईएम की एक सभा हुई, जिसमें ये अफवाह थी कि दूसरी पार्टियों के कुछ लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी शान से भिवंडी शहर के पत्रकारों को यहाँ बुलाया गया, मगर पत्रकारों को तो दूर, यहाँ कार्यकर्ताओं को भी बैठने की जगह नहीं थी। वहीं कुछ नेताओं का कहना था कि पत्रकारों को पीछे बैठना चाहिए। इस पर बात बिगड़ती हुई नजर आई, जिस पर पत्रकारों ने एमआईएम की सभा का बायकॉट किया। अगली खबर। किसानों के लिए मुसलमानों ने लगाया लंगर। गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को। किसान और हुकूमत दोनों ही अपने अपने मौक़ों पर अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के लोग मदद भी कर रहे हैं। वहीं उस किसान आंदोलन में मुसलमानों ने किसानों के लिए लंगर लगाया और खाना तकसीम किया। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇਹ 100 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ 100 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਇਆ होटल